दोस्तों तीसरे वनडे में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मैदान पर उतरते से ही मचा दिया कोहराम। अविश्वसनीय चौके छक्कों की बरसात देख पूरा भारत हुआ हैरान। फिर मैदान पर उतरकर विराट कोहली और बड़तोड़ बल्लेबाजी करके श्रीलंका के उड़ाए परखच्चे। एक ही ओवर में 28 रन पड़वाकर सर पकड़कर बैठ गए वानिंदु हसरंगा। तो दोस्तों आपको भारत की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो तीसरा वनडे मैच भारत जीते तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना क्रिकेट की तमाम जानकारियों के लिए। तो आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला केरला के तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आखिरकार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और ये फैसला टीम इंडिया के लिए बिल्कुल सही साबित भी हुआ, क्योंकि यहां पर भारतीय बल्लेबाजों ने आज धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा के रख दिए। दरअसल हुआ ये कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आज टीम इंडिया में दो बड़े बदलाव किए थे, जहां सूर्य कुमार यादव को हार्दिक पांड्या की जगह और वॉशिंगटन सुंदर को उमरान मलिक की जगह टीम इंडिया में शामिल किया गया, जहां भारत की तरफ से अब पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे, जहां दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में तो कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं रहे थे, क्योंकि दोनों ही यहां अपनी आंखें जमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता रहा, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी को ऐसा संभाला कि श्रीलंकाई गेंदबाज भी एक बार के लिए सोचने लगे कि आखिरकार अब इनको आउट करे तो करे कैसे। जी हां, यहां पर भारतीय टीम ने 10 ओवर में वनडे मैच में 75 रन बना डाले थे और इस बीच 10 ओवर के भीतर रोहित शर्मा का 36 रनों का योगदान था, जहां उन्होंने इस बीच दो चौके और तीन बड़े छक्के भी लगाए थे और शुभमन गिल ने 28 गेंदों में ही 35 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों अभी भी ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे और यहां पर श्रीलंकाई गेंदबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। यहां पर कुछ मौके तो बने कसुन रजिता की गेंद पे जब रोहित शर्मा आउट होने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल की किस्मत ने भी साथ दिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर देखते ही देखते टीम इंडिया के स्कोर को बिना कोई विकेट खोए 100 रनों के पार ले जाने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा एक बार फिर से अपना पुल शॉट लगाने के चक्कर में उधर खड़े चमिका करुणारत्ने की गेंद पर अविष्का फर्नांडो को कैच थमा बैठे, जहां रोहित शर्मा अपने 50 से चूक गए और यहां 49 गेंदों में 42 रन बनाकर वो आउट हुए और अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 3 बड़े छक्के भी लगाए। तो वहीं दोस्तों रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे विराट कोहली, जहां शुभमन गिल और विराट कोहली ने यहां पारी को संभालने की कोशिश की, जहां 95 रन पर भारतीय टीम को भले ही पहला झटका लग गया था, लेकिन विराट कोहली जब मैदान पर उतरे तो उन्होंने आते के संगी चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो मैदान पर आज कैसी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। और दोस्तों रोहित विराट कोहली ने ठीक ये किया भी, जहां विराट कोहली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहां शुभमन गिल का साथ निभाया और टीम इंडिया के स्कोर को पहले 100 रनों के पार पहुंचाया और फिर 150, और बाकी आप सब यहां पर देख भी सकते हो कि शुभमन गिल का अर्धशतक भी पूरा हुआ, जहां विराट कोहली ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। और आपको हम बता दें कि आज शुभमन गिल ने एक ओवर में वानिंदु हसरंगा के 28 रन भी बना दिए थे। उसी ओवर के बाद पूरा मैच पलटता हुआ हम सभी को दिखाई दिया। बाकी अभी तो मैदान पर सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का भी आना बाकी है। तो टीम इंडिया यहां जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है लाइव, जैसा कि आप स्कोर कार्ड में देख सकते हो, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि आसानी से आज मुकाबले में इतिहास रचा जाएगा और सबसे ज्यादा रन भारतीय टीम बनाएगी 300 से भी ज्यादा। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की बल्लेबाजी के बारे में, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।